नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। जीएसटी बिल पर झुकी सरकार, अतिरिक्त कर का प्रावधान हटाया। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को मंजूरी दे दी। राज्यों को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी अमल में लाने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। विधेयक में 1% अंतरराज्यीय कर को समाप्त कर सरकार ने विपक्षी दल कांग्रेस की 3 में से 1 प्रमुख मांग को मान लिया है। कांग्रेस के विरोध की वजह से ही जीएसटी विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है। समुद्र में गिरा नौसेना का विमान। नौसेना का दूर से नियंत्रित होने वाला एक विमान बुधवार शाम कोची से 9 मील दूर समुद्र में गिर गया। नेवल एयर स्टेशन INS गरुड़ से ये विमान एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। नौसेना की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि विमान ने शाम 6:35 पर उड़ान भरी, लेकिन उसके इंजन में गड़बड़ी आई और ये समुद्र में गिर गया। उसके आसपास मौजूद अन्य विमानों को फौरन ही उसकी तलाश में लगा दिया गया। विमान का मलबा अभी नहीं मिला है। घटना की जाँच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। RBI ने 13 बैंकों पर ठोका 27 करोड़ का जुर्माना। रिजर्व बैंक ने KYC नियमों पर जारी नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन मामले में बुधवार को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों पर कुल 27 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। साथ ही इस दिशा में भारतीय स्टेट बैंक समेत 8 बैंकों को कड़ी फटकार लगाते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक पर 3-3 करोड़, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर, यूको बैंक और इंडसइंड बैंक पर भी 2-2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, RBL बैंक पर 1 करोड़ रुपए और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।